तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जहाँ पर जो आपका रॉ मटेरियल यूज होने वाला है वो है लकड़ी। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में एक ऐसे डिमांडेबल प्रोडक्ट के बिजनेस के बारे में जिसको आप अपने गाँव से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है। सबसे बड़ी बात गाइस कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज होने वाला है वो है केवल और केवल लकड़ी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, कम क्वांटिटी में। तो इस बिजनेस को सबसे बड़ी बात कि कोई भी स्टार्ट कर सकता है कम पैसे में। ये जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर लकड़ी से तैयार करने वाले हो ये फूड इंडस्ट्री का एक जान है। कहने का मतलब फूड इंडस्ट्री इसके बिना बिल्कुल अकेला है। और आज के टाइम में जितने भी फूड इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल कोई भी होटल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर कोई फूड शॉप हो, कोई भी जगह हो, जहाँ पर भी आप देखते हो, चाहे खाने का हो, चाहे पार्टी हो, शादी हो, कैसे भी टाइम हो, इसका इस्तेमाल तो करा जाता ही है। गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वुडन टूथपिक मेकिंग बिजनेस के बारे में। ये प्रोडक्ट जो देख रही है वुडन टूथपिक, आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन इसका बिजनेस काफ़ी तगड़ा है और काफ़ी लोग इस बिजनेस को करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इसके यूज के बारे में कि आप इसको बनाओगे, इसका यूज क्या है। नॉर्मली हम इसको जानते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाता है दांत को साफ करने के लिए, लेकिन इतना ही नहीं है, इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। अगर आप जो है मोमोज खाने जाओगे दुकान पर तो वहाँ पर भी ये दिया जाता है, या फिर जो है कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए फूड शॉप पर जाओगे, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, रिपेयरिंग वगैरह में किया जाता है, वुड फिल्टर में फिलर में किया जाता है, उसके बाद आपका फर्नीचर और वुडवर्क में किया जाता है, उसका छोटे छोटे होल्स को फिल करने के लिए, मार्क टेप में, क्लीन ब्रश, और भी बहुत सारे यूज हैं जो कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हो। इसमें आपसे बात करता हूँ कि आप यहाँ पर इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो एक दिन में आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, मतलब कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपका यूज होता है वो केवल लकड़ी है। अब लकड़ी भी वो नहीं कि बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक इसका यूज नहीं किया जाता, केवल एक बार यूज होता है, उसके बाद इसको फेंक देते हैं, तो इसका जो है नॉर्मल लकड़ी भी चल जाएगा। तो सपोज करो कि आप यहाँ पर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप एक दिन में टोटल 12,000 का लकड़ी यूज करते हो, साथ में आपको यहाँ पर वुड बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी लकड़ी आएगी उससे आपका वुड टूथपिक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा लेबर की जरूरत। तो लेबर कॉस्ट आपका यहाँ पर जाएगा 900 रुपये, मतलब 3 लेबर आप यहाँ पर रखते हो आपका 900 रुपये जाएगा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर जो मशीनरी आपकी रन करेगी वो फुली ऑटोमेटिक होगी, इलेक्ट्रिसिटी से रन करेगी, तो उसके लिए एक दिन का मैंने 8 घंटे का कॉस्ट माना है, वो माना है 600 रुपये का। अब देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, मतलब आपका लकड़ी है, टूथपिक है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओगे तो उसमें मैंने यहाँ पर डे का जो कैलकुलेट किया है वो 500 का किया है। हालांकि जो ये ट्रांसपोर्टेशन है ये आपका हर महीने होगा, मतलब डेली बेसिस पर नहीं होता, ये टाइम टू टाइम होता है, तो उस हिसाब से होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है लग रहा है टोटल कितना, 12,000 का लकड़ी, 900 रुपये का लेबर कॉस्ट, 600 रुपये इलेक्ट्रिसिटी, 500 रुपये ट्रांसपोर्ट, तो आपका एक दिन में जो टोटल यहाँ पर जाएगा वो जाएगा 14,500 रुपये आपका टोटल एक दिन का खर्चा। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ पर जो एक दिन में प्रोडक्शन करोगे, आप जो 12,000 का लकड़ी लगाओगे उससे जो आपका यहाँ पर टूथपिक तैयार होगा, टूथपिक बहुत छोटा होता है और साइज भी छोटा होता है, तो यहाँ पर आपका 4 लाख टूथपिक आपका यहाँ पर डेली बनेगा, और 4 लाख टूथपिक आपका जो है 60,000 का कम से कम बिकेगा। कहने का मतलब कि गाइस 60,000 रुपये का जो है 4 लाख टूथपिक बिकेगा। आगे मैं आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो आपका जो यहाँ पर टोटल खर्चा लग रहा था 14,500 रुपये, और 60,000 में आप बेच रहे तो आपका जो प्रॉफिट है वो 45,500 रुपये निकल रहा है। ये वो प्रॉफिट है जो कि आपका पैकेजिंग से पहले का है। अब आप यहाँ पर पैकेजिंग का लगाते हो, पैकेजिंग मतलब कि यहाँ पर जो सेल करोगे इसका दो तरीका है। ये तो आप ये कर सकते हो कि जो होटल्स है, जो आउटलेट है, जो रेस्टोरेंट है, या फिर जो भी चीज़ है वहाँ पर डायरेक्टली अपना खुद का ब्रांडिंग देकर उनको पैकेट में पैक करके जो है सेल कर सकते हो। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि आप किसी बड़ी कंपनी से कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्टली उनको बनाकर दे सकते हो। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि आप ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट पर, अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर, ईबे पर, और भी जितनी वेबसाइट है वहाँ पर लिस्ट करके सेल कर सकते हो। तो अगर आप अपना खुद का ब्रांडिंग देकर जो है सेल करोगे तो आपको अवश्य बात है वहाँ पर पैकेजिंग कॉस्ट भी जाएगा। तो पैकेजिंग कॉस्ट भी आप मान लो यहाँ पर जो है आपका जाएगा टोटल की टोटल आपका 15,000 आपने मान लिया, तो आपका यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 30,000 रुपये का डेली का बचेगा। अब देखो यहाँ पर जो 30,000 का प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया है, अब ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर जो है टोटल एक दिन में अगर 12,000 का लकड़ी यहाँ पर यूज करते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। अब सपोज करो कि आप यहाँ पर 6,000 का लकड़ी यहाँ पर यूज करते हो, तो प्रॉफिट आपका अकॉर्डिंगली यहाँ पर बच रहा था आपका जो है
30,000 तो आपका 15,000 बचेगा। कहने का मतलब कि आप इस बिजनेस से नॉर्मली डेली का 4 से 5 हजार का प्रॉफिट काफी अच्छे से कमा सकते हो। जब मैं आपसे बात करता हूँ मशीनरी की, तो आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप की मशीनरी देखने को मिलती है। जैसे ये मशीनरी है 5,71,000, जो कि बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप बड़े साइज का मशीनरी लेना चाहो, आपको यहाँ पर और एक मशीनरी देखने को मिलती है जो कि 35,718 रुपए से स्टार्टिंग होती है। ये मशीनरी का सेट जो है ये टोटल आता है कुछ इस टाइप से। टोटल जो है यहाँ पर 9 मशीनरी का सेट आता है, छोटी छोटी मशीनें, बिल्कुल छोटी छोटी, जो कि अलग अलग काम में किया जाता है। मतलब सिंपली आपका जो है बड़ी लकड़ी काट के फिर छोटे साइज में करना और फिर छोटे छोटे टूथपिक बनाना, तो उसका पूरा स्टेप के लिए सारी मशीनरी का यूज किया जाता है, जो कि आपका 35,000 से स्टार्टिंग होती है और 3.5 लाख तक की जाती है। वो आपके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी मशीनरी देखने को मिलती है, जो कि आपको यहाँ पर 60,000 से स्टार्टिंग होती है। बाकी आपको कुछ 50,000 से भी देखने को मिलेगा, कुछ 30,000 से भी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक मशीनरी जो कि कुछ इस टाइप की है। ये बम्बू स्टिक, मतलब बांस की लकड़ी से बनाया जाता है, वो उस टाइप की मशीन है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब गाइस कि ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ टूथपिक, ये तो छोटा सा पार्ट है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारा काम और भी किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हो आइसक्रीम में जो वहां पर स्टिक लगाया जाता है, अगरबत्ती में स्टिक लगाया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें जिससे कि आप यहां पर काम कर सकते हो। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आपको मैंने यहां पर बताया कि आप यहां पर जो 4 लाख टूथपिक बनाओगे उसको आप सेल करोगे 60,000 रुपए में। तो ये जो प्राइस है गाइस, ये बहुत ही सस्ता प्राइस, क्योंकि यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं अमेजन पर। अमेजन पर गाइस यहां पर देखिए 160 रुपये लिया जा रहा है, और केवल 100 पीस टूथपिक, जो वुडन मतलब लकड़ी का टूथपेस्ट 100 पीस का है, उसका 160 रुपये, मतलब एक टूथपिक का जो है प्राइस लिया जा रहा है 1.60 रुपया। तो कहने का मतलब ये जो है रिटेल प्राइस पर बेचा जा रहा है, बट आप यहाँ पर जो बेचोगे वो लार्ज क्वांटिटी में बेचोगे, क्योंकि आपका यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आप 1-2 पीस तो बेचोगे नहीं, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बेचोगे, तो आपका यहाँ पर जो है बहुत ही कम रेट पर यहाँ पर बेचा जा रहा है। प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है गाइस, बाकी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है गाइस। बाकी आप जो है यूट्यूब पर और इंटरनेट पर चेक कर सकते हो, इस मशीनरी के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बाकी आप अपने नियर बाय में जो मशीनरी सेलर है उससे भी कॉन्टैक्ट करके उनसे मशीनरी खरीद सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा है। बाकी आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।